आई एम 100% श्योर कि तुमने आज से पहले ऐसी हजारों वीडियोस देखी होंगी जिसमें कुछ क्रिएटर्स तुम्हें इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करने का बेस्ट टाइम बताते हैं, पर ये बात तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि उनकी दी हुई सो कॉल्ड टिप्स से कितना रिजल्ट आता है। अब उन लोगों पे कभी और बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को अगर तुमने एंड तक बिना स्किप करे हुए देख लिया तो तुम्हें आज के बाद यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहीं पे भी सर्च नहीं करना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अपलोड इंस्टाग्राम रील्स। अब मैं होता कौन हूँ तुमको ये सब बताने वाला, तो ध्यान से सुनो। पिछले 1 से 1.5 साल में मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे 300 से भी ज्यादा रील्स पोस्ट करी हुई है, और मैंने अपने अपलोड टाइम के साथ इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है जितना अगर मैं केमिस्ट्री लैब में करता तो शायद मैं आज साइंटिस्ट होता। इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मुझे फाइनली पता लगा एक ऐसे फॉर्मेट के बारे में जिसका यूज करके तुम लिटरली अपने व्यूज डबल कर सकते हो इंस्टेंटली। पर उससे पहले आई वॉन्ट टू ब्रेक सम मिथ्स जिसपे तुम आज तक बिलीव करते आए हो। कुछ क्रिएटर्स का मानना है कि अगर तुम इस चार्ट के हिसाब से रील्स अपलोड करोगे जिस टाइम तुम्हारे फॉलोअर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो तुम्हारी रील्स पे ज्यादा व्यूज आ सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या ये चार्ट सच में काम करता है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके पीछे तुम्हारे भाई ने बहुत सारी रिसर्च करी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें पता होगा कि इंस्टाग्राम ये चार्ट सिर्फ तुम्हें नहीं देता, इनफैक्ट हर किसी क्रिएटर के पास ये चार्ट होता है, जिसमें मेरे चार्ट के हिसाब से ये शो कर रहा है कि मेरे 19,000 से ज्यादा फॉलोअर्स 6 बजे के आसपास सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बट मुझे ये जानना था कि बाकी सारे क्रिएटर्स के अकाउंट पे किस टाइम सबसे ज्यादा फॉलोअर्स एक्टिव रहते हैं, तो इसको चेक करने के लिए मैं गया अपने एक पुराने अकाउंट पे और उसके इनसाइट्स में जाके मैंने कुछ ऐसा देखा जो देख के मैं शॉक्ड रह गया। आई फाउंड आउट कि दोनों ग्राफ एग्जैक्ट सेम लग रहे हैं। इसका मतलब इंस्टाग्राम पे जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब का ये चार्ट सेम होता है, जिसमें नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो अलग अलग हैं लेकिन एक्टिव टाइम बिल्कुल सेम है, दैट इज 6 PM। अब तुम खुद सोच के देखो कि अगर सारे क्रिएटर्स का ग्राफ एग्जैक्ट सेम है तो सब लोग अपनी वीडियो 6 बजे ही पोस्ट करेंगे, जिससे उस पर्टिकुलर टाइम पे कॉम्पिटिशन जो है वो 7वें आसमान पे होगा और इससे तुम्हारे वीडियोज पे इनिशियली बहुत ही ना के बराबर व्यूज आएंगे। तो इससे यह साबित होता है कि पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट इज अ फ्लॉप आइडिया। पर असली भाई, अगर इस चार्ट का हमारे पोस्टिंग टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है तो इंस्टाग्राम ने यह फीचर दिया ही क्यों है? वेल, ये फीचर तुम्हारे इंस्टाग्राम स्टोरी के व्यूज बढ़ाने के लिए और इंस्टाग्राम लाइव के व्यूअर्स को मॉनिटर करने के लिए सबसे ज्यादा काम में आता है, इसीलिए इंस्टाग्राम ने ये फीचर दिया हुआ है। कुछ क्रिएटर्स ऐसा भी बोलते हैं कि सुबह के 8 बजे से 11 बजे या फिर शाम के 6 बजे से 7 या 8 बजे तक अगर तुम रील्स पोस्ट करो तो उस पे ज्यादा व्यूज आते हैं, लेकिन इससे कुछ खास रिजल्ट नहीं आता। भक असली, अगर इन सब टिप्स से कोई रिजल्ट ही नहीं आता तो क्या ऐसा कोई टाइम एग्जिस्ट भी करता है जिस पे रील्स अपलोड करने से ज्यादा व्यूज आए? रिलैक्स, बताता हूँ। पर इतनी सारी रिसर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगता है, तो मेक श्योर इस वीडियो पे एक लाइक तो कर ही देना। बेसिकली अगर तुम अपनी इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करते ही इंस्टेंट व्यूज चाहते हो तो इसके लिए 3 मेजर स्टेप्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे, बट इसमें एक भी स्टेप अगर तुमने मिस कर दिया तो भाई भूल जाओ व्यूज। तुम्हें एक स्टोरी लगानी है इंस्टाग्राम पे जिसमें तुम्हें अपने फॉलोअर्स को ये बोलना है कि वो तुम्हारी प्रोफाइल पे जाके इस बेल आइकन पे क्लिक करे और रील्स नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर ले, जिससे जब भी तुम कोई नई रील अपलोड करोगे उनको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन जाएगा इंस्टाग्राम की तरफ से, जिससे वो कभी भी तुम्हारा रील मिस नहीं करेंगे, जिससे तुम्हारी रील्स को अच्छा खासा पुश मिलेगा और उस पे व्यूज भी बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जिसमें तुम्हें एक और स्टोरी लगानी है जिसमें जिस भी टॉपिक के बारे में तुम अगली रील पोस्ट करने वाले हो उसके बारे में तुम्हें एक हिंट देना है जिससे क्यूरियोसिटी बिल्ड हो तुम्हारे फॉलोअर्स के माइंड में। इसके साथ ही तुम्हें स्टोरी में लिखना है कि ये जो रील है जो तुम डालने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन 7:43 PM, जिससे तुम अपनी रील्स की हाइप क्रिएट कर सकते हो और उस दिए हुए टाइम पे लोग ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारी रील में कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो देखना चाहते हैं। अब ऐसा रेगुलरली करने से तुम्हारे फॉलोअर्स को इस पर्टिकुलर टाइम की आदत सी लग जाएगी और वो कभी भी तुम्हारा कंटेंट मिस नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो तुम्हारे कंटेंट का बेसब्री से वेट भी करेंगे कि 7:43 हो चुके हैं और अभी तक तुम्हारा कंटेंट आया या नहीं आया, इस चीज से उनको बहुत फर्क पड़ने वाला है। अब याद करो मैंने सेकंड स्टेप में तुम्हें बताया था कि अपने फॉलोअर्स को तुम्हें ये बोलना है कि ये जो रील है वो 7:43 PM को आएगी। अब तुम्हें क्या लगता है ये टाइम मैंने ऐसे ही बोल दिया है? नहीं, इस टाइम के पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है जो कि इस वीडियो का क्लाइमेक्स है।
अब इस चीज को तुम्हें मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, एक इंसानी दिमाग, एक ह्यूमन ब्रेन अपने सारे इंपॉर्टेंट काम, अपने सारे जरूरी कामों को इवेंट टाइम्स पे करना पसंद करता है। न्यूज, टीवी सीरियल्स, कार्टून शोज एक इवेंट टाइम पे ही आते हैं, जैसे कि 7 बजे, 6 बजे, 12:30 बजे, जिससे बचपन से देखते देखते हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली ये बैठ चुका है कि एक कोई इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो एक इवेंट टाइम पे ही होता है। जैसे तुम स्कूल जाते हो तो उसके लिए एक टाइम होता है, रिसेस का एक टाइम होता है, लंच का एक टाइम होता है, हर एक चीज का एक टाइम होता है और उसके लिए एक इवेंट टाइम यूज किया जाता है। अगर तुम्हें याद हो तो जैसे कि लंच का मेरे स्कूल में अगर टाइम था, दैट वॉज 3 PM, 3 PM नेता झूठ बोल रहा हूँ। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे 99% क्रिएटर्स अपना कंटेंट इवेंट टाइम पे ही पोस्ट करना पसंद करते हैं, बट इससे प्रॉब्लम ये होती है कि एक ही टाइम पे लाखों करोड़ों वीडियोस अपलोड होने पे, जैसे कि 6 बजे तुम्हारा पीक टाइम है और 6 बजे कितने सारे लाखों करोड़ों लोगों ने वीडियोस अपलोड करी होंगी, तो इमेजिन करो उस टाइम कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा। और इससे तुम्हारा कॉन्टेंट अगर अप टू द मार्क और सबसे बेस्ट नहीं हुआ तो वो आउट परफॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए ये दोनों स्टेप, स्टेप 1 और स्टेप 2, इसके साथ तुम्हें अनइवेंट टाइम्स पे पोस्ट करना स्टार्ट करना है, जैसे 7:43, 6:54, 5:33, जिस टाइम कंपटीशन सबसे ज्यादा कम रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इवेंट टाइम पे पोस्ट करते हैं जबकि तुम अनइवेंट टाइम पे पोस्ट कर रहे होगे, जिससे तुम्हारी रील्स के पुश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और तुम्हें इसका स्लाइटली एडवांटेज भी मिलेगा। और हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे बताए हुए अनइवेंट टाइम के कॉन्सेप्ट को यूज करने से तुम्हारे रील्स पे पक्का 100% गारंटीड व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्टेंट एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारा कॉन्टेंट खराब है और तुम अनइवेंट टाइम पे भी पोस्ट करते हो तो कुछ भी नहीं होने वाला मेरे भाई। तो क्वालिटी और वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ और इन तीनों स्टेप्स का यूज करो, फिर तुम्हें वायरल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी तुम्हारे रील्स पे व्यूज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है तुम इन 5 मिस्टेक्स में से कोई ना कोई मिस्टेक जरूर कर रहे होगे, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में पूरा बताया हुआ है। तो अब भी जाओ इस वीडियो को पूरा देखो ताकि वो मिस्टेक्स तुम दोबारा ना करो। तो मैं मिलता हूं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीस आउट।